वेलकम फ्रेंड्स, फार्मा जिपेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने चैनल का 35th वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में कई लोगों के कमेंट आए कि ये एग्ज़ाम कब से लागू होगी, कितनी बार एग्ज़ाम लेने वाले हैं, कब लेने वाले हैं, ये कौन से स्टूडेंट को अप्लाई होगा। ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आज का वीडियो ये अपलोड किया है। लेट्स मूव टू द वीडियो। डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम मेनली ड्रग लाइसेंस का मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। ये अभी तक नॉट फाइनलाइज येट, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। सिर्फ PCI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। अभी तक इसका कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। मोर चेंजेस विल बी डन इन कमिंग डेज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि ये एग्ज़ाम के पैटर्न में और चेंजेस आने वाले समय में होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ PCI हैज आस्क फॉर इम्प्रूव इट एंड द ओपिनियन हैज बीन सॉर्ट फॉर नेक्स्ट वीक। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ PCI ने लोगों से सजेशन मंगाया कि ये एग्ज़ाम को हम कैसे बढ़िया तरीके से ले, इसलिए एकेडमिक इंस्टीट्यूट से उन्होंने सजेशन मंगवाई है। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन हुआ है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है फ्रेंड्स। PCI प्रेसिडेंट डॉक्टर बी सुरेश सेड दैट एग्जाम प्लानिंग विल बी डन दिस ईयर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर बी सुरेश, उन्होंने क्लियर किया है कि डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम इस साल 2018-19 से ली जाएगी। ये उन्होंने कन्फर्म किया है। दिस एग्जाम विल बी अप्लाई टू ऑल स्टूडेंट फ्रॉम द कमिंग 2018-19 एंड दोज हु हैव नॉट येट रजिस्टर्ड मे ऑल्सो बी एबल टू अटेंड दिस एग्जाम। जो स्टूडेंट 2018-19 में पास आउट होने वाले हैं, ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट 2018-19 में पास आउट होने वाले हैं और जो स्टूडेंट ने अभी तक स्टेट काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया है, उन्हें भी शायद ये एग्ज़ाम देनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट, अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी पास आउट कर लिया है लास्ट ईयर, तो प्लीज़ आप जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिए, वरना आपको भी ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट रजिस्टर फार्मासिस्ट बन गए, उनके लिए ये एग्ज़ाम लागू नहीं होगी। जिनका नाम स्टेट काउंसिल के रजिस्टर में दर्ज है, उनको ये एग्ज़ाम लागू नहीं होगी। ऑफ कोर्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी स्टूडेंट हैव टू कंपल्सरी अटेंड द एग्ज़ाम फॉर बिकमिंग अ रजिस्टर फार्मासिस्ट। जो भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट पास होगा, उनको ये एग्ज़ाम देनी कंपलसरी है फ्रेंड्स। इस एग्ज़ाम के बिना वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। आपने डिप्लोमा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम तो पास कर लिया, पर ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, अगर वो क्लियर नहीं की तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। इसमें 100-100 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। ये 3 क्वेश्चन जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट के होंगे और आपको ये 3 क्वेश्चन एक साथ पास करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं अपने चैनल पे फार्मेसी के MCQ डेली अपलोड करता हूँ, इसको रिफ़र करते रहिएगा, आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। टिल नाउ दिस रेगुलेशन नॉट फॉर डिग्री स्टूडेंट। ये जो एग्ज़ाम है डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। अभी तक डिग्री BPharma बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ये एग्ज़ाम सिर्फ डिप्लोमा फार्मासिस्ट के लिए है, डिग्री फार्मासिस्ट के लिए नहीं है। डिटेल एग्ज़ाम प्रोग्राम विल बी अनाउंस बाय PCI शॉर्टली। ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, कब लेने वाले हैं, कितनी फ़ीस होगी, कब फॉर्म भरना है, ये सारा प्रोग्राम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा आने वाले समय में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा चैनल का नाम है फार्मा जिपेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर कुछ भी नया नोटिफिकेशन आता है PCI के द्वारा एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं अपने वीडियो पर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।